कराची डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध के दामों में 23 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इस कारण दूध के दाम 120 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं। वहीं खुदरा बाजार में दूध 180 रुपये प्रति लीटर तक बिक रहा है। एसोसिएशन का कहना है, सरकार से कई बार कीमतें बढ़ाने का आग्रह किया गया था, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के बाद उन्हें खुद दाम बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने एसोसिएशन के इस कदम को गलत बताया है। प्रशासन ने कहा है कि वह अधिक दाम पर दूध बेच रहे व्यापारियों पर कार्रवाई कर रहा है। गौरतलब है कि मार्च में पाकिस्तान में महंगाई दर 9.41% पहुंच गई है, जो नवंबर 2013 के बाद से सबसे अधिक है। महंगाई को काबू करने के लिए पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर को 10.75% कर दिया है, जिससे आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा है। कुछ कंपनियों ने पाकिस्तान से अपना कारोबार समेटने का भी फैसला किया है। बता दें कि अर्थव्यवस्था संकट के चलते पाकिस्तान पर दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे बचने के लिए IMF से बेल आउट करने की मांग करी है। वैसे पाकिस्तान की ऐसी हालत के लिए कौन जिम्मेदार है, कमेंट में जरूर बताइएगा।